मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी का बेसिक पार्ट मैं करवा चुका हूँ, फिर से एक बार सुनो। और इसकी दो एक्सप्लेनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुननी है। इमेजिन करो आपके पास एक लिक्विड की सरफेस है, या ये लिक्विड कंटेनर में पड़ा हुआ है। इनमें से मान लो आपने एक पार्टिकल लिया और उसका नाम है ए पार्टिकल है। ए पार्टिकल इज सराउंडेड बाय मेनी पानी के पार्टिकल्स और नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आएगी, जीरो। तो ये नहीं हिलेगा, रेस्ट पे है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सी होगा, सी को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एयर का मॉलिक्यूल, और नीचे कौन अट्रैक्ट करेगा, लिक्विड का मॉलिक्यूल। लिक्विड का मॉलिक्यूल की फोर्स बड़ी होगी तो नेट फोर्स कहां एक्ट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये पार्टिकल सी कहां शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो ये लाइन क्या खींच रखी है, पी एस, ये सरफेस की फिल्म है। तो मैं ये काम किस पे कर रहा हूँ, उन मॉलिक्यूल पे कर रहा हूँ जो सरफेस फिल्म पे लाई करते हैं, क्योंकि सरफेस फिल्म के नीचे के मॉलिक्यूल की तो नेट फोर्स हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो ये सब गेम जो खेलनी है एयर और वाटर वाली, ये सिर्फ इस पे नहीं खेलनी, ये बेसिकली सरफेस फिल्म के सारे मॉलिक्यूल के ऊपर ये प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लो आपने एक मॉलिक्यूल बी लिया, बी मॉलिक्यूल को देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल आसपास खींच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है फोर्स लग रही है, नेट फोर्स काफ़ी हद तक जीरो हो रही है, बट कुछ पोर्शन इसकी रेंज कहाँ चली गई, एयर में चली गई। अब एयर का मॉलिक्यूल इसको नहीं खींच पा रहा, तो ये नेट फोर्स ये भी कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, डाउनवर्ड। मैं तुम्हें ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसके साथ नहीं है, इसके साथ भी है जो कि सरफेस फिल्म में लाई करता है। तभी तो मैंने कहा कि सरफेस फिल्म की जो विड्थ है वो रेंज के इक्वल होती है, क्योंकि रेंज इस मॉलिक्यूल की यहाँ तक है, और इसकी रेंज में जाके कौन लाई कर रहा है, एयर का पार्टिकल लाई कर रहा है। तो यहाँ पर वाटर और एयर की इंट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसकी फिल्म की विड्थ क्या रखी जाती है, आर। और ये जो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, ये सारी के सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये फोर्स एक्सपीरियंस होने वाली है, नेट फोर्स डाउनवर्ड, और जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एरिया को कम करेगा और ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है, ए मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो है, बी मॉलिक्यूल जो है, बी मॉलिक्यूल वो लेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कि इसकी नेट फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड, और सी की भी कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड, पर सी पे कुछ ज़्यादा ही डाउनवर्ड लग रही है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी के अंदर तो नेट फोर्स फिर भी कुछ हद तक एक फोर्स दूसरी फोर्स को कैंसिल करती हुई दिखाई दे रही है, पर इसमें कैंसिल करने वाली फोर्स थोड़ी सी कम है। तो ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स से नीचे आएगा, ये थोड़ी कम फोर्स से नीचे आएगा, ये थोड़ी और कम से नीचे आएगा, पर जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं उन पर जबरदस्त डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, वो नीचे ज़्यादा आएंगे। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या आंसर दिया, ये सारे मॉलिक्यूल नीचे क्यों आए, क्योंकि लिक्विड की फोर्स बड़ी थी और लिक्विड एयर की फोर्स कम थी। तो मैंने अपना आंसर कैसे दिया, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। लेकिन फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन दो तरीके से चलती हैं, पहली कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और दूसरी कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। अब सुनो एनर्जी की कहानी। अब पहली एक्सप्लेनेशन तो फोर्स से हो गई, डन हो गया। दूसरी एक्सप्रेशन ये कहती है कि ये मॉलिक्यूल्स इसलिए नीचे आएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी नीचे के मॉलिक्यूल से ज़्यादा है, और ये इसलिए नीचे आएंगे ताकि इनकी नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो। और जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो हम इसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया, और इक्विलिब्रियम में एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। तो इक्विलिब्रियम हमने किए थे वर्क पर एनर्जी में, तो जब ये नेट फोर्स जीरो करेगा तो स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, और स्टेबिलिटी में एनर्जी हमेशा क्या होती है, मिनिमाइज। इलेक्ट्रॉन में भी करते हो आप एटम्स में कि इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्या चाहता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स नॉन जीरो ना रहे, जीरो हो जाए, तो नीचे की तरफ आएगा, अपनी एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करेगा ताकि स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। तो यही तो हो रहा है। ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस फिल्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इज हायर देन दोज लाइंग वेल इनसाइड द लिक्विड। तो जो टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल जो नीचे लाई करते हैं। और सिस्टम को अगर स्टेबल करना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो फॉर सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस की फिल्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर आप चाहते हो कि उनकी एनर्जी मिनिमम हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट मस्ट बी मिनिमम, कम से कम मॉलिक्यूल्स हों, ज्यादा से ज्यादा नीचे चले जाएं। दस द सरफेस फिल्म टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ताकि सारे मॉलिक्यूल कहां भागने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे, अपनी एनर्जी को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम। एज अ रिजल्ट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड
मेम्ब्रेन, तो हमने क्या आंसर दिया, फोर्स से ये आंसर दिया कि नेट फोर्स नीचे है, और एनर्जी से ये आंसर दिया कि अपनी एनर्जी को क्या करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज। और दोनों रीजंस इक्वली गुड हैं ये समझाने के लिए कि मॉलिक्यूल नीचे आएंगे और टाइट हो जाएंगे और सरफेस विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?